Hey, what's up guys, welcome back again with new video. And guys, इस वीडियो में बताऊंगा कैसे इस तरह का लेटर कैसे लेकर आ सकते हो अपने फोटो में. सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने स्नैपसीड एप्लीकेशन से आपको फोटो एडिट करना सिखा रखा है. तो वीडियो पूरा एंड देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है आपके लिए. और इस तरह का लेटर ऐड करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना हो, तभी आपको समझ में आएगी कैसे इस तरह का लेटर लेकर आप आओगे अपने फोटो में. तो गाइज, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए. एंड गाइज, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए यार, लिंक दे रखे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. सही है गाइज, विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट. ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पे मैंने स्नैपसीड की एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करके अपने फोन में कैसे किया. अगर आपके फोन में स्नैपसीड की एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर से स्नैपसीड की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड स्नैपसीड की एप्लीकेशन को ओपन करना है. जैसे स्नैपसीड की एप्लीकेशन ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस में एप्लीकेशन का, और यहाँ पे क्लिक करना आपको इस प्लस वाले आइकन पे. जैसे क्लिक करोगे इस प्लस वाले आइकन पे एंड यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी. यहाँ पे देख लीजिए, मैंने फोटो ऐड कर ली यहाँ पे गाइस, ठीक है. और आपको अपनी फोटो सबसे पहले ऐड करनी है स्नैपसीड के अंदर इस तरीके से, और उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है टूल्स पे. नीचे टूल्स पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने. तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन पे, ऐसे क्लिक कर लीजिए. क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कॉन्ट्रास्ट पे हमें क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे से टैप करोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड ग्रीन का, ठीक है. तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस आपको हल्की सी बढ़ानी है यहाँ पे, ठीक है. तो ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूँगा फोटो में इतनी, ओके. एंड उसके बाद नीचे कॉन्ट्रास्ट जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा माइनस करूँगा, ठीक है. माइनस जीरो, तो मैंने माइनस इस तरफ पहले थोड़ा सा माइनस कर लिया. तो यहाँ पर देख लीजिए, इतना करने के बाद आपको सिंपली इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऊपर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है. एंड यहाँ पे व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे जाओगे एंड इस ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर लीजिए एंड इस ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए. इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वर्ट का, ठीक है. इन्वर्ट पे क्लिक करना आपको, और ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा ब्लैक एंड वाइट हो चुके फोटो. एंड इसको सिंपली आपको क्या करना है, जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, 100, इसको यहाँ पे जीरो ही रहना है, ठीक है. जीरो कर लीजिए. उसके बाद से भी आपको फोटो को जूम करना है, ठीक है, अपनी. और आपको केवल जहाँ पे आपकी केवल स्किन है ना, वहाँ पे केवल ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे स्किन में इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लूँगा गाइस, आप देख सकते हो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है, केवल स्किन में ही आपको ड्रॉ करना है और बाकी जो एरिया हमारा उस पर ड्रॉ नहीं करना गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे मैं केवल स्किन पे ही ड्रॉ करूँगा गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन में कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ. सेम एज इट इज़ आपको भी ड्रॉ करना है अपनी फ़ोटो में गाइस, ठीक है. उसी के बाद आपकी फ़ोटो यार इस तरीके से बनेगी, ठीक है. तो यहाँ पे स्किन कलर को केवल ऐड करेंगे फ़ोटो में गाइस, ठीक है, और बाकी जगह कुछ भी नहीं करेंगे हम. सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मैं पूरा स्किन ड्रॉ करूँगा ऐसे, क्या. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, तो जहाँ पे भी रह रहा है गाइस कंप्लीट ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है. एंड यहाँ पे हैंड में रहेगा ऐसे, क्या. तो हैंड में ड्रॉ कर लूँगा गाइस. तो गाइस अब केवल स्किन में ही ड्रॉ करना है, मैंने आपको जो बताया, ठीक है, केवल स्किन में ड्रॉ करना है, जिससे यार फोटो काफ़ी अमेजिंग दिखती है ऐसे, क्या. और पूरा बैकग्राउंड देखो पूरा ब्लैक हो चुका है गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैं ड्रॉ कर लूँगा. तो गाइस यहाँ पे देख लिया, पूरा कंप्लीट मैं ड्रॉ कर लेगा, ठीक है. और फोटो काफ़ी अमेजिंग दिखे, उसको टिक पे क्लिक करना है नीचे, और ऊपर बैक एरो पे क्लिक कर लीजिए. क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे नीचे टूल्स पे क्लिक करना गाइस आपको, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विगनेट का. तो विगनेट पे क्लिक करना आपको, विगनेट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए दो ऑप्शन आ रहे गाइस आपके सामने, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको लेकर आना है एंड आपको क्या करना है, माइनस टाइप करना है ऐसे. तो मैं इतना कर लूँगा इसको, ठीक है, ये देख लीजिए. और इसको मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा ऐसे, क्या. एंड टिक पे क्लिक कर लीजिएगा ऐसे, क्या. टिक पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद फोटो का आपने अमेजिंग दिख रहे हैं. टूल्स पे फिर से क्लिक करना आपको, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टून इमेज का, क्लिक करना टून इमेज पे ऐसे, क्या. एंड यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, ब्राइटन, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन गाइस. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रास्ट पे जाऊँगा ऐसे, क्या. एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं इतना इस तरीके से. एंड सैचुरेशन को देखेंगे हम ज़्यादा करके, तो सैचुरेशन में इतना कर लेगा ऐसे, क्या. और हाइलाइट्स को मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, बढ़ा दूँगा. एंड शेडो को भी मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, उसे बढ़ा दूँगा, राइट. एंड फोटो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी क्लासिक बन चुकी है गाइस, ठीक है. और इस तरीके से ना आप अपनी फोटो को काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट कर सकते हो गाइस, ठीक है. एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये वाला.
सो गाइस इस तरीके से आप अपनी फोटो काफ़ी कूल बना सकते हो और स्नैपसीड को डाउन कीजिए प्लेस हो जाए अगर नहीं है। और गाइस अगर आपको और भी इस तरह की फोटो एडिट चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको अगली या नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह की फोटो एडिट करना सिखाऊंगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद लाइक और शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो यार। तो मिलता हूँ आपको अगली एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद निक टैक्टिकल।